हेलो माय डियर, जितने भी हमारे सेकंड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं, वेलकम करता हूं। माय डियर, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि आपका आज तीसरा दिन है इस सप्ताह में और तीसरा सब्जेक्ट का हम वीडियो भी लेकर आ चुके हैं। तो पिछला जो इससे जो बीता हुआ सप्ताह है, यहां पे मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का एक ही वीडियो करते थे जिसमें दोनों के लिए क्वेश्चंस था, ठीक है। तो आज हम फिर से वहीं पे चलते हैं जहाँ पे हम पिछला छोड़े थे, सब्जेक्ट यूनिट वाइज करना, ठीक है। तो फिर से हम आ चुके हैं और यूनिट नंबर 5 में हम लोग मेंटल डिसऑर्डर चैप्टर का नाम है जिसमें विभिन्न प्रकार के मानसिक बीमारियों के बारे में हमको देखना है, ठीक है। यूनिट नंबर 5 है नाम, और मेंटल डिसऑर्डर एंड इट्स नर्सिंग मैनेजमेंट, इस टाइप से है नाम इसका चैप्टर का। माय डियर, इसमें हम लोग देख चुके हैं स्किजोफ्रेनिया के बारे में, ठीक है। स्किजोफ्रेनिया क्या होता है, कारण क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, नर्सिंग प्रबंध क्या होते हैं, ठीक है, इसके उपचार क्या होते हैं, स्किजोफ्रेनिया कम्प्लीट देख चुके हैं। और स्किजोफ्रेनिया अपने आप में हर एक साल लॉन्ग क्वेश्चन में एक फिक्स रहता है, ठीक है। तो स्किजोफ्रेनिया कंप्लीट कर लीजिएगा, उसमें जितना भी प्रकार के क्वेश्चन बनता है मैं सब करा दिया हूँ, आप लोग को उसको कंप्लीट कर लेना है हर हाल में, ठीक है। जो लोग समझ गए होंगे कि स्किजोफ्रेनिया क्या होता है तो वो लोग उसको आराम से लिख लिए होंगे, ठीक है। बाकी चलिए हम लोग यहाँ पे अब देखने वाले हैं वो है हमारा मेनिया के बारे में। आज एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है और यह भी क्वेश्चन आपको लॉन्ग में बन सकता है, लेकिन अभी तक यह क्वेश्चन ज़्यादा पूछा नहीं है। 5 नंबर में एक बार पूछा गया है, बाकी ज़्यादातर यह क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। बट यह बीमारी भी इम्पोर्टेंट है और यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मेनिया को हम लोग कहते हैं उन्माद। आप लोग देखते हुएगा, कभी कभी कोई किसी को कह देता है कि ये मेनिया के पीड़ित, मेनिया इसको हो गया है, माइनिया हो गया है, ठीक है ना, इस प्रकार के कुछ कहता है। तो नॉर्मली वह माइनिया नहीं होता है, यह मेनिया को ही जो है क्या कहा जाता है, माइनिया लोग कह देता है, लेकिन इसको हम लोग हिंदी में उन्माद कहते हैं। उन्माद नाम से स्पष्ट है, उन्माद। तो चलिए इसके परिभाषा और इसके जो है टाइप्स को, वर्गीकरण को देखेंगे, ठीक है। माय डियर, मेनिया उन्माद जो होता है आपको देखना पड़ेगा, बहुत इंटरेस्टिंग बीमारी है और अक्सर यह आपके आसपास में मेनिया वाले लोग जो है मिल जाएंगे। तो मेनिया में क्या क्या होता है, व्यक्ति क्या क्या करता है, ये चीज़ें हम आपको आज दिखाएंगे, समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। चलिए, मेनिया यह एक प्रकार की क्रियात्मक मनोविक्षेपति है, यह लक्षणों का त्रिसमूह है। माय डियर, सबसे पहले समझना पड़ेगा कि मेनिया एक मानसिक बीमारी है, एक मानसिक बीमार है, ठीक है, मानसिक बीमारी है। क्योंकि इस चैप्टर में ही हम लोग पढ़ रहे हैं मानसिक मेंटल डिसऑर्डर के बारे में, तो कहीं ना कहीं इसमें जो भी क्वेश्चंस आएंगे ज़्यादातर जो है मानसिक बीमारी के बारे में ही होगा। तो मेनिया एक प्रकार का मानसिक मनोविक्षिप्त बीमारी है, ठीक है, जिसमें व्यक्ति का क्रियात्मक जो है, फंक्शनल जो है क्या होता है, क्रियात्मक चीज़ें जो है प्रभावित होता है मानसिक रूप से। इसमें लक्षण के मेनली 3 समूह पाए जाते हैं। व्यक्ति के अगर किसी को मेनिया होता है तो उसका जो है लक्षण में 3 समूह जो है दिखने को मिलता है, इसीलिए इसे त्रिसमूह कहा जाता है, लक्षणों का त्रिसमूह, यानी 3 समूह का लक्षण इसमें देखने को मिलता है। कौन कौन सा, देखिए, यह मूड, मूड मतलब मन, यह मन या भाव दशा, ठीक है ना, भाव दशा का विकार है। पहला क्या है, यह जो है मन का या भाव दशा, इमोशनली जो है डिसऑर्डर है, जिसमें व्यक्ति की भावनात्मक उत्तेजना बढ़ी हुई होती है, जिसमें व्यक्ति का इमोशनली जो है उत्तेजना बढ़ा हुआ रहता है, घटा हुआ होगा तो वह डिप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। बढ़ी हुई शारीरिक क्रियाएँ, इसमें व्यक्ति का जो शारीरिक एक्टिविटी होता है वह बढ़ जाता है। व्यक्ति का मन बहुत ज़्यादा उल्लासित मतलब खुश और विचारों, फ्लाइट ऑफ आइडियाज जो है शामिल होता है। 3 विकार होता है, 3 समूह होता है। एक होता है कि व्यक्ति का भावनात्मक उत्तेजना बढ़ा हुआ होता है, ठीक है, उसके बाद व्यक्ति का शारीरिक एक्टिविटी क्रिया बढ़ा हुआ होता है, और व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश और उड़ा हुआ विचार का होता है, ठीक है, विचारों में उसके उड़ान होते हैं, ठीक है, मतलब बात बात पर वह अपनी बातों को बदल देता है। तो यह 3 समूह होते हैं, 3 समूह यही जो है व्यक्ति के भाव दशा को बताते हैं। तो ये नॉर्मली हम लोग समझ गए कि 3 समूह होते हैं, ये चीज़ को समझ गए। अब यहाँ पर आप लोग देखिए, अब मेन जो चीज़ें समझने वाला आता है यहाँ पर समझिए, तब जाके आपको समझ में आएगा, ठीक है। मेनिया की अवस्था में रोगी अत्यधिक प्रश्न एवं उत्साही रहता है, वह अपने दिमाग में नई नई योजनाएं बनाता है। जिस भी पेशेंट को अगर मेनिया आ गया, मेनिया एक मेंटल डिसऑर्डर है, मानसिक बीमारी है, ठीक है, तो अगर मान गए किसी व्यक्ति में मेनिया आता है, तो मेनिया जो अवस्था होता है उसमें रोगी बहुत ज़्यादा अपने आप को खुशी महसूस करता है, उत्साहित महसूस करता है, ठीक है, और अपने दिमाग में, माइंड में नए नए योजना क्रिएट करता है, नए नए प्लान बनाता है। तो यह मेनिया वाले रोगी में एक प्रमुख जो है लक्षण देखने को
मिलता है कि वह बहुत ज़्यादा खुश रहेगा बिना किसी बात के, बिना किसी रीजन के, बहुत ज़्यादा खुशी रहेगा, अत्यधिक उत्साह रहेगा उसका मन, और अपने दिमाग में नए नए योजना जो है बनाते रहेगा, ठीक है। ये रहता है। साथ में रोगी हमेशा डेलूजन, यह भ्रम बना रहता है रोगी का कि वह एक बड़ा व्यक्ति है, ठीक है। डेलूजन ऑफ ग्रैंडियर, मतलब उस व्यक्ति में इस चीज़ का भ्रम रहता है कि वह एक अपने आप को एक बड़ा व्यक्ति समझता है, उसे लगता है कि हम सबसे बड़ा व्यक्ति है। तो आप लोग अक्सर देखते होइएगा आपके आसपास में ऐसे व्यक्ति होता है जो बहुत डीलिंग मारेगा, बहुत बात बोलेगा, ठीक है। इसमें का जो व्यक्ति होता है ना मेनिया वाला, बहुत ज़्यादा बोलता है, बक 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 बहुत बोलेगा, आप थक जाइएगा सुन के, लेकिन वो नहीं थकेगा। तो मेनिया वाला पेशेंट बहुत जो है हाई फाई दिखाएगा अपने आप को, लेकिन अंदर से मालूम चलेगा कि यह जो है शून्य है, कुछ नहीं है, लेकिन अपने आप को वह बहुत बड़ा समझता है, बहुत जो है चढ़ा बढ़ा के बोलेगा, मुहावरा पर कहावत बोलेगा, गाना गाएगा, मन उसका एकदम खुश रहेगा, बिल्कुल अति अति से ज़्यादा। मतलब कोई भी चीज़ अगर उत्साहित होना तो अच्छी बात है, उत्साहित होइए, बट वह उत्साहित अगर एक सीमा से पार चला जाता है, बहुत एक्सेसिव अगर आपके अंदर उत्साह आ रहा है, तो वह फिर एक मेनिया का लक्षण होता है, ठीक है। तो आपके मन बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा उत्साहित भी होना जो है एक मानसिक बीमारी का जो है न्योता देता है, ठीक है ना। तो मेनिया में व्यक्ति को यह डिल्यूजन रहता है, भ्रम बना रहता है खुद के लिए कि हम एक बड़ा व्यक्ति है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, वह व्यक्ति शून्य है, ठीक है। उसे अपने आप को लगेगा कि हम बहुत बड़ा विद्वान है, तभी देखते होइएगा कि कुछ कुछ पागल व्यक्ति अपने आप को बहुत कुछ कुछ इंग्लिश किसी से सुन सुन के बहुत इंग्लिश बिंग मारेगा, किसी के सामने जा जा कर गाना गाएगा, लड़की देख लेगा तो वहाँ पे गाना स्टार्ट कर देगा, ट्रेन में गाना स्टार्ट कर देगा, मतलब उसको लाज शर्म ख़त्म हो जाता है, और बक 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 हमेशा खूब बोलेगा, खूब उसका मन खुश रहता है, खूब उसका मन जो है उड़ा आइडियाज ऑफ विचार उसका एकदम उड़न उड़ा हुआ रहता है, ठीक है ना। आइडियाज ऑफ फ्लाइट ऑफ आइडियाज, समझ गए, नई नई योजना हमेशा बनाएगा। तो ये जो है चीज़ें आपके मेनिया वाला में होता है, ओके, कोई दिक्कत नहीं, चलिए ये चीज़ें समझ गए। मेनिया के रोगी अत्यधिक बोलता है, मैंने बता दिया, वह बात बात में कहावतें कहेगा, मुहावरे कहेगा एवं शेरो शायरी का उपयोग करेगा। अब रोड पर मैं आप जा रहे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको अगर मेनिया होगा तो वह आपको रोक देगा, रोक के जो है झूठ साँच के बहुत बातें जो है आपसे बोलेगा, पूछेगा कि फलाना जगह जाना है, चिलाना जगह जाना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक नॉर्मल व्यक्ति में भी देखते होइएगा कि मेनिया का लक्षण रहता है, वह बहुत ज़्यादा बोलेगा, समान व्यक्ति से अलग रहेगा वह, ठीक है। तो यह सब कुछ मेनिया वाले पेशेंट में होता है, जो कि एक मेनिया वाले पेशेंट में बहुत ज़्यादा जो है क्या होता है कि उसका भावनात्मक हो, शारीरिक क्रिया हो, ठीक है, ये सब में जो है परिवर्तन आ जाता है, सामान से अलग हो जाता है, सामान से बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो जाता है, अत्यधिक हो जाता है, ठीक है, और व्यक्ति जो है मेनिया में हो जाता है। तो मेनिया में व्यक्ति खुश का अनुभव ज़्यादा करता है, ज़्यादा जो है अपने आप को दिखाता है, ज़्यादा अपने आप को चढ़ा बढ़ा कर बोलता है, लेकिन बात किया जाए इसी के उल्टा डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन में व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी रहता है, वह किसी से बातें नहीं करना चाहेगा, ठीक है, अपने आप को मन में गलत गलत भावनाएँ जो है चलाता रहेगा। लेकिन मेनिया वाला पेशेंट जो है ऐसा नहीं करता, मेनिया वाला पेशेंट बहुत बोलेगा, बहुत गाना वाना गाएगा, अपने मन मगन में खुशी रहेगा, दूसरे को भी जो है बहुत बजाए रहेगा, दूसरे से भी बहुत बातें करेगा। तो इस प्रकार के मेनिया और डिप्रेशन में होता है, ठीक है। अगर इस दोनों का लक्षण एक साथ एक व्यक्ति में दिखने को मिलता है तो उससे बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, समझ रहे हैं चीज़ों को, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेनिया को समझ गए आप लोग, उम्मीद है समझ गए होंगे। अब हम लोग मेनिया का वर्गीकरण देखेंगे, मेनिया का कैसे वर्गीकृत किया जाता है। तो माय डियर, मेनिया को उसके अवस्थाओं कंडीशन के आधार पर अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया गया है। पहला है हाइपोमेनिया। हाइपोमेनिया का हाइपो मतलब होता है कम, और मेनिया के मतलब होता है उन्माद, मतलब अल्पो उन्माद या कम उन्माद, ठीक है। तो अल्पो उन्माद का मतलब होता है कि जिसमें उन्माद का लक्षण जो है हल्का होगा, उसमें हल्की अवस्था में उन्माद होगा, तो वह जो है हाइपोमेनिया होगा, ठीक है। इस प्रकार रोगी प्रसन्न रहता है, उनकी प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा जो है अस्थिर रहता है, रोगी अपनी योग्यताओं के संबंध में बहुत ज़्यादा अनुमान होते हैं, और वह स्वयं को बहुत महत्वपूर्ण समझता है, ठीक है, चीज़ें समझ गए। उनके व्यक्तित्व में बहुत समझदारी नहीं होती है, वे घनिष्ठ मित्र बनने योग्य नहीं होते हैं, वह बहुत बातें करते हैं, ठीक है। अल्प उन्माद के कई रोगियों के भूख नहीं लगती है और उनका भार कम हो जाता है। माय डियर, अल्प उन्माद में जो होता है, जो जो आप ऊपर में देखे हैं कि उन्माद में ए होता है,
होता है तो वो चीज़ें जो है अल्पोन्माद में हल्का सा होता है, इसमें व्यक्ति अस्थिर रहता है और इसमें व्यक्ति जो है भूख नहीं लगता है तो जिसके कारण व्यक्ति का भार भी कमता है और इसमें व्यक्ति जो है मित्र बनाना नहीं चाहता है, बहुत ज़्यादा बातें करता है, अस्थिर रहता है, यानी हल्का फल्का का कंडीशन रहेगा तो उसमें हाइपोमेनिया होता है। समझ रहे हैं चीज़ों को? चलिए ये हो गया। एक्यूट मेनिया है, एक्यूट मेनिया का मतलब होता है, एक्यूट मतलब आप लोग जानते हैं कि एक्यूट मतलब अचानक से, तीव्र गति से या उग्र, ठीक है, सबका मतलब यही होता है। तो एक्यूट मतलब उग्र भी होता है, तीव्र भी होता है, अचानक भी होता है, तो ये चीज़ें हैं। अब उग्र का मतलब होता है कि अचानक से क्रिएट होगा, विध्वंसक होगा, ठीक है ना, तीव्र गति से। तो यह मेनिया जो है व्यक्ति में अचानक हमला करता है, ठीक है, इसमें सुख का आभास और जो है व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुशी का भाव वेग जो है व्यक्ति में पाया जाता है। रोगी का मूड कई बार बदलता है जो बहुत आसानी से चिड़चिड़ेपन और क्रोध में बदल जाता है। रोगी स्वयं को अधिक महत्वपूर्ण समझता है, यौन संबंधी विचारों की रुचियों में वृद्धि हो जाती है, नींद की ज़रूरत कम हो जाती है। माय डियर, जो मेनिया वाला पेशेंट होता है, देखते होइएगा कि कुछ ऐसे पागल व्यक्ति होते हैं जो बहुत ज़्यादा बोलेगा, हल्ला करेगा, बकबक करते रहेगा अकेला में भी, ठीक है, तो देखते होइएगा कहीं ना कहीं वह व्यक्ति नींद बहुत कम लेता है। मेनिया में एक चीज़ ये होता है कि व्यक्ति माइंड से खुश रहता है, मन में नई नई योजनाओं बनाता है, बट उसका नींद जो है कम जाता है, व्यक्ति नींद नहीं ले पाता है सही से, ठीक है, तो ये एक जो है परिवर्तन व्यक्ति में देखने को मिलता है। साथ में उसका मूड तो अस्थिर रहता ही है, उसका हमेशा विचार बदलते ही रहता है, ठीक है, साथ में वह खुश का अनुभव करेगा, उल्लास का अनुभव करेगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन इस प्रकार के व्यक्ति में देखते होइएगा कि जो व्यक्ति मेनिया वाला होगा, अगर आप उससे बात कर रहे हैं, वो आपसे बहुत बातें में आपको लपेटा हुआ है, बहुत बातें आपको कर रहा है, सुना रहा है, कहीं कहीं के बात जो कि कोई मतलब का नहीं होता है, वह भी बकबक करते रहेगा, लेकिन अगर आप उसके बाटे को काटेंगे या फिर आप बीच में बोलते हैं तो वह गुस्सा हो जाएगा, क्रोधित हो जाएगा, ठीक है, और फिर वहां से वह क्या होगा, चल देगा या फिर आप पर अटैक करने का सोचेगा। तो यह उग्र मेनिया में होता है, जो व्यक्ति पर अचानक हमला करता है और व्यक्ति का भाव बदल जाता है, व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो सकता है, क्रोध हो सकता है, और व्यक्ति का जो स्वयं के अत्यधिक महत्वपूर्ण समझने का जो क्षमता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, और व्यक्ति में जो यौन संबंधी जो विचार होता है, जो इंटरेस्ट होता है, वह बढ़ जाता है। जो मेनिया वाला पेशेंट होता है ना, उसमें उसके खुशी के, उल्लास के, नए नए योजना बनाने के, मतलब इन सब चीज़ों के बहुत ज़्यादा बातें करना, मुहावरे कहना, ठीक है, नए नए संबंध बनाना, ये मेनिया वाले पेशेंट को बहुत ज़्यादा भाता है। इसके अलावा मेनिया वाले पेशेंट का शारीरिक रूप से बात किया जाए तो उसका नींद जो है ख़त्म हो जाता है, नींद बहुत कम लेता है, और उसके अंदर एक परिवर्तन और आता है कि उसका यौन इच्छा का जो होता है यह भी बढ़ जाता है। तो मेनिया वाले पेशेंट में ये होता है, समझ गए? तो वही जो जिसके में अचानक से अगर मेनिया प्रवेश करता है, अचानक से हमला करता है, तो उस व्यक्ति अपने आप को तो महत्वपूर्ण समझेगा ही समझेगा, साथ में वह उसके अंदर यौन इच्छाओं की रुचि और विचारों को भी आने लगता है और नींद जो है ज़रूरत से कम हो जाता है व्यक्ति का। तो यह एक्यूट वाला अचानक से हमला करने के कारण होता है, ठीक है, ठीक है, ये चीज़ हो गया। तीसरा है डेलीरियस मीडिया, प्रलापक मीडिया जो होता है, यह व्यक्ति क्या होता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। प्रलापक डेलीरियस जो मेनिया होता है, इसमें व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्या होता है, विध्वंसक हो जाता है। व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा जो है क्या होता है कि बहुत ज़्यादा उसके जो है कॉन्शियस लेवल पर प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति का मूड जो है अस्थिर हो जाएगा। व्यक्ति के अंदर जो है क्या हो जाएगा, अपने आप को महत्वपूर्ण समझने का उसके अंदर जो भ्रम है वह तो सब में होगा ही होगा, चाहे हाइपो हो, चाहे एक्यूट हो, चाहे डिलीरियस हो, ठीक है, सब में व्यक्ति अपने आप को महत्वपूर्ण योगवान, ठीक है, उससे कोई ज़्यादा जो है तेज ना है, ऐसा अपने आप को व्यक्ति में लगता ही है। तो जो डिलीरियस मेनिया होता है यह और ज़्यादा जो है खतरनाक होता है। इसमें व्यक्ति उल्लास होने के जब बजाय, इसमें व्यक्ति खुश होने के बजाय जो है क्या होता है, चिढ़ जाता है, उसका मन अस्थिर हो जाएगा, बेचैनी पैदा हो जाता है व्यक्ति के अंदर, और वह उदासीन हो जाएगा, सैडनेस हो जाता है, जो कि और सब में देखते हैं कि खुशी होता है, उल्लासित हो जाता है, लेकिन यहाँ पे प्रलापक में व्यक्ति उदासीन हो जाता है, ठीक है। व्यक्ति में भ्रम होने लगता है, ठीक है, उसे सुनेगा कुछ और, आप बोलिएगा कुछ और, लेकिन उसे जो है सुनाई कुछ और देगा, वह समझ कुछ और लेगा, देखेगा कुछ और, उसे जो है उसका भ्रम हो जाएगा कि हम कुछ और देखे हैं, इस टाइप से उसके अंदर गतिविधि आ जाएगा। तो जो डिलीरियस मेनिया होता है, प्रलापक जो मेनिया होता है, प्रलापक से आप लोग समझिए कि
देख लीजिए यहाँ पे प्रलापक, प्रलापक मतलब डेलीरियस, ठीक है। अब प्रलापक से होता है प्रलय, ठीक है। तो आप लोग प्रलापक वाला में प्रलय के हिसाब से लिखिएगा कि जिस पेशेंट में अगर प्रलापक मेनिया आता है तो वह एक प्रकार से प्रलय के तरह जो है करने लगता है, प्रलय मचाने की तरह वह उदासीन हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगा, अपने आप को बहुत ज़्यादा योगवान समझने लगता है, बेचैनी होने लगता है, उदासीनता हो जाता है, ठीक है। व्यक्ति जो है व्यक्ति के अंदर अनेक भ्रम पाने लगता है, जैसे सुनने से संबंधित, देखने से संबंधित, व्यक्ति के अंदर भ्रम जो है आ जाता है, ठीक है। और व्यक्ति जो है ऐसा हरकत करता है जो बिल्कुल अर्थहीन होता है, जिसका कोई मतलब नहीं होता है, वह दूसरे को हत्या करने तक जो है उसके अंदर प्रवृत्ति आ जाता है, और इसीलिए इसे प्रलापक यानी प्रलय टाइप का मेनिया कहा जाता है। समझाने के लिए मैं प्रलापक से प्रलय बना दिया हूँ ताकि आप समझे कि व्यक्ति इसमें प्रलय मचाने की स्थिति में आ जाता है। तो यह मेनिया आपका प्रलापक वाला डेलीरियस मेनिया हो गया, ओके। नेक्स्ट मेनिया है मिथ्या विश्वास से संबंधित डेलूजन मेनिया। डेलूजन मेनिया में होता है कि इसमें उत्तेजना व्यक्ति के अंदर कम होता है, एक्साइटमेंट कम होता है, स्वयं को महत्वपूर्ण और योग्य समझने का भ्रम अधिक रहता है। चौथा पॉइंट कहता है डेलूजनल मेनिया। अब डेलूजन के मतलब होता है कि मिथ्या विश्वास, मतलब झूठा विश्वास, भ्रम, भ्रमित होना, ठीक है। व्यक्ति के अंदर डेलूजनल मेनिया में यही होता है कि व्यक्ति के अंदर एक्साइटमेंट कम होता है, ठीक है, लेकिन वह व्यक्ति ये समझता है कि हम अपने लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आदमी है, ठीक है, हम अपने आप को बहुत ज़्यादा योगवान हैं, और हम जो है इसी भ्रम में वह व्यक्ति रहता है, समझ गए। तो इसमें ज़्यादातर जो डेलूजनल मीडिया है इसमें व्यक्ति को अपने लिए जो है बहुत ज़्यादा झूठा मिथ्या जो है, जो कि वह खुद को होता नहीं है वैसा, लेकिन उसको अपने लिए बहुत ज़्यादा जो है झूठा विश्वास बन जाता है व्यक्ति के अंदर, तो ये डेलूजनल मीडिया होता है, ठीक है, मेनिया। पांचवा में है पुराना मेनिया क्रॉनिक मेनिया। क्रॉनिक मेनिया होता है, आप लोग जानते हैं क्रॉनिक के मतलब होता है लंबे समय का, ठीक है। तो क्रॉनिक मेनिया मतलब होता है पुराना मेनिया। यह मेनिया व्यक्ति में जो होता है लंबे अवधि का होता है, 20 वर्ष या इससे अधिक तक रह सकता है, ठीक है। रोगी को सूखा भास की अवस्था छोड़कर चिड़चिड़ा हो जाता है। अब कोई भी व्यक्ति मान गए ज़्यादा दिन तक किसी भी खुशी की अवस्था में नहीं रह सकता है। अगर मेनिया होता है तो हम लोग जानते हैं कि मेनिया का लक्षण खुशी होना, उल्लास होना, नई नई योजना बनाना, ठीक है, एक दूसरे से हमेशा मिलजुल बातें करना, ठीक है, अपने आप को योगवान समझना। लेकिन अगर ये चीज़ें अगर व्यक्ति में ज़्यादा दिन तक रहे, 20 वर्ष तक या इससे ऊपर तक, तो ये चीज़ें जो व्यक्ति अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाता है, खुश रहता है, यह कहीं ना कहीं उसे चिड़चिड़ापन में या दुखी में बदल जाएगा, ठीक है। तो क्रॉनिक मेनिया जो है व्यक्ति के अंदर कहाँ ले जाता है, गड़बड़ तरफ ले जाता है, चिड़चिड़ा टाइप पर ले जाता है, सुख के जगह जो है व्यक्ति को छोड़कर चिड़चिड़ा के तरफ ले चलता है, तो क्रॉनिक वाला हो गया। छठा है और आखिरी है दूसरे दर्जे का मेनिया सेकेंडरी मेनिया। सेकेंडरी मेनिया का मतलब होता है कि यह उन्माद औषधियों, पैराटॉक्सिसोस, ठीक है, इन्फ्लुएंजा, मस्तिष्क शोथ, एस्क्लेरोसिस तथा सेरिब्रम ट्यूमर के कारण होता है। अब ये जो ट्यूमर हो दूसरे दर्जे का सेकेंडरी मेनिया का मतलब होता है कि यह मेनिया व्यक्ति में अलग अलग जो है कारणों से हो सकता है, जैसे कुछ औषधि दवाई के कारण, कुछ पैराटॉक्सिकोसिस के कारण, इन्फ्लुएंजा के कारण, मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क शोथ के कारण, ठीक है ना। मस्तिष्क शोथ मतलब इसको हम लोग कहते हैं इंसेफ्लाइटिस, ठीक है, और एस्क्लेरेसिस तथा सेरिब्रम ट्यूमर के कारण, तो यह दूसरे दर्जे के क्या हो गए, उन्माद हो गए। तो ये चीज़ें आपको कुल हमने 6 प्रकार के मेनिया के बारे में पढ़ाया। कौन कौन मेनिया हम आपको बिना देखे हुए यहीं पर बोल देते हैं, और आपको भी ऐसे ही समझना चाहिए। हाइपोमेनिया, अल्प उन्माद, एक्यूट मेनिया, उग्र उन्माद, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखे हैं सेकेंडरी मेनिया, दूसरे दर्जे का मेनिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखे हैं क्रॉनिक मेनिया, पुराना मेनिया, उन्माद, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग क्या देखे हैं, डेलूजनल मेनिया मतलब मिथ्या विश्वास या झूठा मेनिया, उन्माद, ठीक है ना। तो ये सब जो है हम लोग मेनिया के कुछ प्रकार हम लोग देख लिए हैं, और एक मेनिया हमारा यहाँ पे बच गया है प्रलापक डेलीरियस मेनिया। समझ रहे चीज़ों को, तो दोनों मैंने बता दिया, छठा छः मैंने टाइप्स यहाँ भी पढ़ दिया। अब आप इसको दिमाग में रखिएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, इंग्लिश आप लोग इसको देख लीजिएगा। डेलूजन ऑफ ग्रिंडियर, आप सभी से क्वेश्चन में पूछ सकता है कि डेलूजन ऑफ ग्रिंडियर का जो है किस प्रकार के मरीजों में पाया जाता है, तो मेनिया वाला पेशेंट में डेलूजन ऑफ ग्रिंडियर, इसका मतलब होता है कि अपने आप को जो है उसमें एक योगवान जो है भ्रम हो जाता है कि हम सबसे ज़्यादा योगवान है, ठीक है ना।
तो ये सब टाइप्स हिंदी इंग्लिश सब में दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा इंग्लिश वाले इंग्लिश में, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं उन्माद के क्या क्या कारण होते हैं, उसके बाद हम लोग इसके चिन्ह लक्षण देखेंगे और चिकित्सीय प्रबंध आज नहीं देखेंगे, ठीक है, चूँकि बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो अभी हम कारण लक्षण देख कर इसको वीडियो को स्टॉप करेंगे, और कारण लक्षण ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर कारण लक्षण आप नहीं समझते हैं तो समझिए कुछ नहीं है, और एग्ज़ाम में भी आप जो है 0 नंबर मिल जाएगा, समझ गए। तो कारण लक्षण किसी भी बीमारी का जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, कॉज ऑफ मेनिया, मेनिया के क्या कारण होते हैं। तो माय डियर, मेनिया होने के व्यक्ति में प्रमुख और निम्नलिखित कारण हो सकते हैं, कौन कौन से कारण हैं देख लीजिए। अनुवांशिक कारण, जीनेटिक कॉज। देखिए, मानसिक रोग होने का ज़्यादा जो कारण होता है वह सब में लगभग लगभग एक समान होता है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगा के अगर किसी भी मानसिक रोग का कारण पूछेगा तो आप आराम से लिख सकते हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को, सब में लगभग लगभग एक ही प्रकार से कारण होता है, ठीक है ना। चलिए, अनुवांशिक कारण है जीनेटिक कॉज। जुड़वा होने पर मोनोजाइगोटिक, ठीक है ना, 40-70% संभावना होती है, तथा माता से जैसे फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में 5-10% संभावना होती है। पहला कहता है अनुवांशिक कारण, अगर मान गए जुड़वा बच्चा है, जुड़वा बच्चा का मतलब दो भाई बहन हो गया, या दोनों भाई या दोनों लड़की ही हो गई, तो ऐसे में अगर किसी को जुड़वा बच्चा होता है तो जुड़वा बच्चा में अगर मेनिया होता है तो यह 40-70% कारण होते हैं कि अगर एक में मेनिया है तो दूसरे में भी हो सकता है कि मेनिया हो सके, ठीक है। माता से बच्चे में होने का फर्स्ट डिग्री जो है रिलेशन होता है यह, और इसमें 5-10% संभावना, फर्स्ट डिग्री का मतलब होता है डायरेक्ट संबंध, ठीक है, डायरेक्ट एक से दूसरे से संबंध। तो माता से फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में 5-10% संभावना होती है, ठीक है। चलिए, ये चीज़ों का आप लोग समझ गए। दूसरा है मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारण का मतलब होता है कि इसके कारण जीवन में अत्यधिक तनाव एवं मुश्किलों के कारण तथा किसी भी इच्छित वस्तु के न पाने या किसी व्यक्ति या वस्तु के खो जाने के कारण उन्माद विकार होने की संभावना होती है। साइकोलॉजिकल कारण यानी मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक का मतलब है कि आपको मानसिक रूप से कोई ना कोई जो है ठेस पहुँचा हो जिसके कारण आपको ये मेनिया रोग हुआ हो, जैसे आप जो चाहते हैं वो नहीं कर पाए तो आपका मन कुंठित हो जाएगा, आप जो है कुंठित होकर रह जाएंगे, ठीक है ना। आप किसी प्रिय से, अपने प्रिय से बिछड़ गए तो उससे भी हो जाता है। आपके परिवार में कोई अचानक से किसी के गुजर जाने का खबर आपको मिलता है तो उससे गहरी ठेस लगता है दिमाग पर। तो ये सब साइकोलॉजिकल रीजन होते हैं जो कहीं ना कहीं व्यक्ति को उसके जीवन में अत्यधिक तनाव और मुश्किलों के कारण तथा ऐसे चीज़ों के कारण जो वह पाना चाहता हो लेकिन नहीं मिल पाया हो, वह जो है उसे कोई ऐसे चीज़ जो बहुत ज़्यादा प्यारा हो उसके लिए लेकिन खो गया हो, तो ऐसे से व्यक्ति के अंदर साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ता है और इससे व्यक्ति में मेनिया होने की संभावना होती है, ठीक है। तो ये मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल कारण होता है। तीसरा है पारिवारिक कारण, फैमिली कॉज। फैमिली कॉज के मतलब होता है कि परिवार में आपसी झगड़े होना, माता पिता का विघटन यानी बार बार झगड़ा होना, जिससे बच्चों को पर्याप्त प्यार और पोषण नहीं मिल पाना तथा बच्चों में उन्माद विकार होने की संभावना अधिक हो जाती है। माय डियर, आपके समझिए, पारिवारिक कारण हम लोग सिजोफ्रेनिया में भी देखे हैं, यहाँ भी पारिवारिक कारण होगा। अगर आप अपने बच्चे को विघटित कर देते हैं, यानी हस्बैंड वाइफ अगर दोनों को जॉब है तो जाहिर सी बात है अपने बच्चों को ज़्यादा केयर नहीं कर पाएगा, ज़्यादा प्यार दुलार नहीं दे पाएगा, तो इससे भी बच्चे के अंदर मानसिक बीमारी होता है, समझ लीजिए। दूसरी चीज़ें, आपके परिवार में बार बार माता पिता में लड़ाई होता हो, झगड़ा होता हो, तो उसका असर बच्चे पर पड़ता है, ठीक है। दूसरी चीज़ें, आपके परिवार में सुखी को का माहौल नहीं है, हमेशा एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा है, इसका असर बच्चे पर पड़ता है, ठीक है। और उस कारण से मान गए और पति पत्नी हैं, उसमें भी विघटन है, अलग अलग है, तो उसका असर बच्चे को पोषण और प्यार पर पड़ता है, जिससे बच्चों में उन्माद होने की संभावना अधिक हो जाती है। तो पारिवारिक कारण एक महत्वपूर्ण कारण है उन्माद होने का बच्चे में, ठीक है। चौथा कारण है आर्थिक व सामाजिक कारण। अब समझिए, आर्थिक कारण है, आर्थिक कारण का मतलब होता है बेरोजगारी होना, ठीक है। जो आप चाहते हैं कुछ खरीदना, पैसा नहीं है, आप वो चीज़ नहीं खरीद पाते हैं, तो कुंठित होकर रह जाते हैं, अपन दिल के पीड़ा अपने अंदर जो है समेट के रह जाते हैं, होता है ना। मान गए हमें कुछ मन हो गया खरीदने का, लेकिन हमारे अंदर वो काबिलियत नहीं है, वो आर्थिक स्थिति नहीं है कि हम कुछ चीज़ें जो चाहें हैं वो ले पाएँ, तो इससे क्या होगा, हम अपने अंदर दिल की बातों को मार कर रह जाएंगे, किसी से नहीं कहेंगे। तो ये बातें कुंठित करता है दिमाग में, बार बार चलता है कि आखिर हम उस लायक क्यों नहीं हैं, हम क्यों नहीं ऐसा बन पाए,
तरह तरह के सवाल उठता है और उससे व्यक्ति जो है मानसिक की स्थिति की तरफ चले जाता है। सामाजिक कारण, समाज में अगर आप गलत संगति करते हैं, मदिरा पान करते हैं, कुसंगति में आ गए हैं, ठीक है, कुपोषण के शिकार है, असंतुलित भोजन कर रहे हैं, ऐसे रीति रिवाज कुरीतियों के बीच में फंसे हुए हैं जहां से आप नहीं निकल पा रहे हैं, आपका आर्थिक स्थिति इतना ख़राब है कि आप बेरोज़गार हैं, घर पर लोग आपसे खुश नहीं हैं, घर का लोग आपसे इग्नोर कर दिए हैं, ठीक है, तो अनेक कारण आर्थिक और सामाजिक कारण होते हैं जो व्यक्ति को मानसिक रोग की तरफ धकेलते हैं और उसी प्रकार से यहाँ भी मेनिया रोग के तरफ धकेलेगा आर्थिक व सामाजिक कारण। अन्य कारण, कुछ अदर कारण भी होते हैं। अदर कारण में जैसे हम लोग दूसरे दर्जे के लक्षण देखे हैं कि मस्तिष्क में मस्तिष्क शोथ होना, ठीक है, अलग अलग बीमारियाँ होने के कारण भी व्यक्ति में मेनिया होता है, तो उसी प्रकार से अन्य कारण में हमारा कुछ मस्तिष्क फंक्शनल होता है, मानसिक कार्य होता है जिसमें गड़बड़ी होने के कारण भी जो है मेनिया होता है, ठीक है। जैसे हम लोग जानते हैं हमारा ब्रेन में इलेक्ट्रिक सिग्नल के लिए बहुत सारे हार्मोनल डिस्चार्ज होते हैं, हार्मोनल सिक्रेशन होते हैं, जैसे नोनेफ्रिन और नॉन एफ्रिन और डोपामाइन, नॉन एफ्रिन और डोपामाइन ये सिक्रेशन अगर अधिक हो जाएगा और कोलिनर्जिक और नॉन एड्रिनर्जिक के बीच असंतुलन हो जाएगा या सीरोटोनिन की कमी हो जाती है जिससे उन्माद की संभावना हो जाती है। अगर व्यक्ति में नॉन एफ्रिन और डोपामाइन का सिक्रेशन अधिक हो जाता है तो भी जो है आपके मेनिया का लक्षण आ सकते हैं। अगर सेरोटोनिन अगर कम जाता है तो इसमें भी जो है आपको प्रॉब्लम है। तो यह मस्तिष्क से होने वाले श्राव के कारण भी व्यक्ति में जो है मेनिया रोग आ सकते हैं, तो अन्य कारण में ही हो गया। तो ये चीज़ को आप लोग नोट कीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अब आपका इंग्लिश दिया गया है, आप चाहें तो इसका इंग्लिश लिख सकते हैं। तो मैंने अभी आपको कारण में क्या क्या बताया है, कारण में मैंने यही बताया है पारिवारिक कारण, ठीक है, आर्थिक और सामाजिक कारण, ठीक है, उसके बाद हमने बताया आपको अन्य कारण बताया, उसके बाद हमने बताया जीनेटिक्स कारण बताया। तो ये सब कारण होते हैं जिसके कारण व्यक्ति में मेनिया रोग आ सकते हैं, मनोवैज्ञानिक कारण भी होते हैं, तो ये सब चीज़ों को याद रखिएगा। अब माय डियर यहाँ पे जो लास्ट वाला है, उन्माद के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ मेनिया, उन्माद के निम्न लक्षण होते हैं। अब जो लोग अभी तक मेनिया के बारे में समझ चुके हैं उसे लक्षण के बारे में भी पता हो गया होगा कि क्या क्या लक्षण और चिन्ह होंगे, और लक्षण और चिन्ह से आप पहचान पाइएगा कि कौन से व्यक्ति में मेनिया है या नहीं है, ठीक है। तो इसको पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में पूछता है। तो चलिए मेनिया का निम्नलिखित लक्षण होंगे, इस चीज़ को आप लोग लिखिएगा। पहला है बिना कारण हंसना बोलना नाचना गाना। मेनिया वाले जो रोगी होंगे उसमें आप लोग देखते होइएगा बिना किसी रीजन के, अब कोई रीजन होता है तो व्यक्ति हंसता है, नाचता है, गाता है, जैसे बर्थडे हो गया, शादी हो गया, रिजल्ट आया उसके खुशी में, कुछ ना कुछ रीजन होता है तो मानते हैं कि चलो भाई वो अपना खुशी का इजहार कर रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, हंस रहा है, बोल रहा है, ठीक है। लेकिन जो मेनिया वाला पेशेंट होता है वह बिना किसी रीजन के बहुत ज़्यादा हंसेगा, बहुत ज़्यादा बोलेगा, नाचेगा, गाएगा, ठीक है, पहला ये चीज़ नोट कीजिएगा। दूसरा चीज़ देखिएगा, सामान्य से अधिक खुश रहेगा, क्योंकि एक नॉर्मल व्यक्ति का जो खुश रहने का सीमा है, अगर उस नॉर्मल व्यक्ति के खुश रहने के सीमा से भी ज़्यादा अगर कोई व्यक्ति खुश हो जाता है या खुश रह रहा है तो समझिएगा कि इसमें एक्चुअल यह खुशी नहीं है, यह इसके मानसिक रोग का खुशी है, अत्यधिक खुशी भी सही नहीं है। तो सामान्य से अधिक खुशी रहना भी मेनिया का लक्षण है। सोने की इच्छा में कमी, जैसे ही व्यक्ति में सोने की इच्छा में कमी हुआ और बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ज़्यादा जो है अपने आप को ऊर्जावान समझता है, बहुत ज़्यादा अपने आप को योगवान समझता है और उसमें सोने की इच्छा कमी आ गई, समझिएगा कि मेनिया का लक्षण व्यक्ति में आ गया, ओके। बड़े बड़े दावे यानी बातें करना, खुद को बड़ा बताना, यह मेनिया का एक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट लक्षण चिन्ह है कि व्यक्ति बड़े बड़े दावे करेगा, बातें करेगा, खुद को बड़ा बताएगा, ओके। चलिए, अपने अंदर अत्यधिक शक्ति का अनुभव करेगा, व्यक्ति के अंदर जीरो पावर का शक्ति है लेकिन मेनिया के सिचुएशन में व्यक्ति को लगता ऐसा है कि वह बहुत ज़्यादा जो है शक्तिवान, ऊर्जावान है, ओके। बहुत सारे काम को एक साथ करने की व्यक्ति कोशिश करता है, ट्राई करता है, वह हमेशा सोचेगा कि एक एक कार्य हम क्यों करें, हम सभी कार्य को इकट्ठे ही क्यों ना कर ले, ठीक है, ये चीज़ें सोचेगा, परंतु किसी भी काम को सही से नहीं कर पाएगा। व्यक्ति तो अपने आप को बहुत ज़्यादा शक्तिवान, ऊर्जावान समझेगा ही, वो समझेगा कि सारे कामों को एक के साथ हम कर लेते हैं, क्यों जाएं हम बारी बारी से करने, लेकिन उससे एक भी काम सही से नहीं होगा। कैसे सही से होगा, वो तो मानसिक पीड़ित है, ठीक है ना, ओवरलोड ले रहा है लेकिन हो नहीं रहा एक भी।
समझ रहे हैं। चलिए, यौन इच्छा में वृद्धि। अब जैसे ही मानसिक स्थिति उसका परिवर्तन होता है, व्यक्ति मेनिया में आता है, तो व्यक्ति में यौन इच्छा भरपूर आ जाता है, व्यक्ति में बहुत ज़्यादा सेक्सुअल जो है बातें जो है कंटेंट जो है आने लगता है। ठीक है, अपनी क्षमताओं से परे खर्चे करने की इच्छा करना। अब व्यक्ति जब मेनिया में रहता है तो व्यक्ति अपने इच्छा अपने शक्ति से बहुत ज़्यादा खर्च करने का सोचता है, समझ गए। छोटी छोटी बातों पर बेवजह गुस्सा हो जाना, विवादों या झगड़ों में पड़ जाना। अब ऐसे व्यक्ति जो मेनिया के होते हैं, वह छोटी छोटी बातें होती है या बेवजह के वह किसी भी बातों पर गुस्सा हो जाएगा, छोटी छोटी बातों को बहुत गुस्सा बना देगा और विवादों और झगड़ों में बेवजह को पड़ जाएगा। खासकर मेनिया वाला जो पेशेंट होता है ना, वह दूसरे के झगड़े को अपने ऊपर मोल लेगा। ठीक है, वह छोटी छोटी बातों में बीच में टूफुक जाएगा, बोलने लगेगा, और जब बीच में कोई पड़ता है तो किसी को तो गुस्सा आएगा ही आएगा, झगड़ा हो ही नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से व्यक्ति में ये सब लक्षण और चिन्ह पाए जाते हैं। मैंने जितना हो सका आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है, बाकी अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आए तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि इससे बढ़िया आपको मेनिया का एकेडमी क्लास के बारे में कोई नहीं बताएगा। ठीक है, अगर सिर्फ मेनिया के बारे में हमें डिस्कस करना होता तो मैं आपको और बेहतर से बता देता, बट आपका एग्ज़ाम की तैयारी कराना है तो जो जो पूछता है एग्ज़ाम में उसको बताना ज़रूरी है, इसलिए मैंने मेनिया क्या होता है, मेनिया में क्या कारण हो, मेनिया के क्या कारण होते हैं, मेनिया के कौन कौन से प्रकार है, मेनिया में क्या चिन्ह और लक्षण हो सकते हैं, मैंने सब के सब बता दिया। ठीक है, मेनिया में व्यक्ति भोजन को भी निगलेक्ट करता है, यह भी एक इंक्लूड कर लीजिए कि मेनिया वाले व्यक्ति जो है भोजन कम करता है, भोजन से दूर भागता है, भार कमने लगता है व्यक्ति का, तो ये चीज़ें जो है ये सब चिन्ह और लक्षण हो गया। ठीक है, टोटल इंग्लिश और हिंदी में PDF दिए गए हैं, आप अपने हिसाब से इसको जो है कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, अगर नहीं कंप्लीट कीजिएगा तो आपकी मन है, आपकी इच्छा है। ठीक है, मैं ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता हूं। बाकी जो पढ़ने वाले होंगे लगन के साथ, अगर डेली 1 घंटा भी पढ़ रहे होंगे तो उनका काम सफल है। अगर आप हाउसवाइफ है, ठीक है, या आप घर के काम कर रहे हैं, ठीक है ना, या कर रही हैं, ठीक है, या फिर आप अदर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ज़्यादा नहीं 1.5 घंटा से 1 घंटा समय आप इस पर दीजिएगा अपने अपने क्षेत्र में, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो आपका जीवन सफल होने वाला है आगे नर्सिंग के क्षेत्र में। अगर थोड़ा भी नहीं पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं एग्ज़ाम आएगा तो पढ़ लेंगे, तो समझ लीजिए हकीकत बता रहे हैं, आगे कुछ नहीं होने वाला है। पास हो जाइएगा, डिग्री लेकर इधर उधर घूमिएगा, 10-12 हज़ार के महीना प्राइवेट में देगा, वही आपके लिए काफ़ी रहेगा। समझ रहे हैं, नहीं पढ़िएगा तो यही होगा। तो बाकी चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।